द क्लाउन को देखने वाले व्यूअर्स में से अभी भी 60% व्यूअर्स ने हमारे चैनल खूनी मंडे को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप उन 60% व्यूअर्स में से एक हैं और अगर आपको हमारी द क्लाउन सीरीज पसंद आ रही है तो खूनी मंडे चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, और हाँ, लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को जेम्स नाम के एक सीरियल किलर के बारे में पता चला था, जिसने 10 साल पहले ठीक वैसे ही मर्डर्स किए थे जैसे अब हो रहे थे। पर जेम्स ने 10 साल पहले ही सुसाइड कर लिया था। दूसरी ओर एना को उसके पेरेंट्स एक चाइल्ड थेरेपिस्ट और साइकेट्रिस्ट डॉक्टर रीटा के पास ले जाते हैं। अपने थेरेपी सेशन के बाद एना गाड़ी में पड़ी अपनी डॉल को देखती है और फिर वापस डॉक्टर रीटा की होम क्लिनिक में चली जाती है। अंदर जाते ही एना एक साइको किलर की तरह डॉक्टर रीटा का कैची से मर्डर कर देती है। अगली सुबह डॉक्टर रीटा की केस फाइल में ऑफिसर जेराल्ड को कुछ ऐसा दिखता है जिससे वो शॉक्ड हो जाता है। अब आगे रॉबिन का मर्डर हुए पूरे 3 दिन बीत चुके थे, पर बेरेक टाउन का किलर अभी भी खुला घूम रहा था। लेकिन जब उस सुबह जेराल्ड ने डॉक्टर रीटा की केस फाइल में एना की मॉम मेगन स्टैनली का नाम पढ़ा तो उसे कुछ ऐसा पता चला जिससे शायद सब राज खुलने वाले थे। वो फौरन ही अपने एक ऑफिसर के साथ एना के घर के लिए निकल गया था। सर, आपने केस फाइल में ऐसा क्या देखा? और हम मेगन स्टैनली के घर क्यों जा रहे हैं? मेगन का इस सब से क्या लेना देना? कुछ देर और रुको, सब समझ आ जाएगा। और अगर मेरा शक सही है तो वो किलर आज ही हमारी कस्टडी में होगा। कुछ ही देर में जेराल्ड एना के घर पर पहुंच चुका था। जेराल्ड ने कार से उतरकर एना के घर की डोरबेल बजाई और एना की मॉम मेगन ने दरवाजा खोला। जी, आप? मैं सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर जेराल्ड। आप ही मेगन स्टैनली हैं? हाँ, मैं ही मेगन हूँ। पर क्या हुआ ऑफिसर? Is everything okay? बेरेक टाउन में जो मर्डर्स हो रहे हैं उसके बारे में तो आप जानते ही होंगी। जी, उसी से रिलेटेड कुछ पूछताछ करनी थी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इतना कहते ही जेराल्ड खुद ही घर के अंदर घुस गया। साथ में उसका एक ऑफिसर भी था। घर को इन्वेस्टिगेट करते हुए जेराल्ड के पैने सवाल शुरू हो गए थे। कल शाम आप कहाँ थी? हम लोग एक डॉक्टर के पास गए थे। हम कौन? मैं और मेरी बेटी। डॉक्टर रीटा के पास? जी। वो तो एक चाइल्ड थेरेपिस्ट है। हाँ, मेरी बेटी कुछ दिनों से अजीब सा बिहेव कर रही है, इसीलिए डॉक्टर रीटा को दिखाने गए थे। वैसे आपकी बेटी दिखाई नहीं दे रही। वो तो स्कूल गई है। अच्छा, क्या नाम है उसका? एना। क्या मैं उसका कमरा देख सकता हूँ? जी। जेराल्ड एना के रूम में घुसकर छानबीन करने लगा। एना के बेड के नीचे जेराल्ड को एक पुराना सा दिखने वाला वुडन बॉक्स मिला। ये वुडन बॉक्स ये आपका है? नहीं, मैं भी इसे पहली बार देख रही हूँ। वो वुडन बॉक्स एना को उसी दिन मिला था जिस दिन उसे वो क्लाउन डॉल पार्क में पड़ी मिली थी। उस क्लाउन डॉल पर एक नोट भी था जिस पर लिखा था, आई मिस्ड यू किडो, यानी मैंने तुम्हें मिस किया। और उस नोट के पीछे एक एड्रेस लिखा था। उस एड्रेस को फॉलो करते करते एना एक दुकान पर पहुंची, एक पुरानी कॉस्ट्यूम्स की दुकान। वो जब उस शॉप के अंदर गई तो वो दुकान एकदम खाली थी। बस एक बूढ़ा सा दुकानदार था जो एना को देखते ही बोला, वेलकम बेटा, वेलकम। वो हमेशा कहता था कि तुम एक दिन जरूर आओगी।
मुझे एक मिनट दो, मैं अभी आया। वो दुकानदार अंदर गया और उसने एक वुडन बॉक्स बाहर लाकर एना के हाथों में थमा दिया। तब से वो वुडन बॉक्स एना के पास ही था। उसने सबसे छुपाकर उस बॉक्स को अपने बेड के नीचे रख दिया था, लेकिन जेराल्ड की तेज नजरों ने उस बॉक्स को ढूंढ लिया था। जेराल्ड ने अपने ग्लव्स पहने और उस वुडन बॉक्स को ओपन किया। उस बॉक्स की चीजें देखते ही जेराल्ड की आंखें बड़ी हो गईं। उस बॉक्स के अंदर बहुत सारा अजीबोगरीब सामान था, फेस पेंट और मेकअप का सामान, एक कॉस्ट्यूम जो शायद किसी सर्कस के क्लाउन की थी। जेराल्ड ने जब पूरा बॉक्स ठीक से देखा तो उसके होश उड़ गए। उस बॉक्स के अंदर वही गुब्बारे मिले जो हर मर्डर साइट पर विक्टिम्स के गले से बंधे मिले थे। जेराल्ड ये सब देखकर सुन सा पड़ गया था। उसी डब्बे में एक वीडियो टेप भी था। जेराल्ड ने एना के रूम में रखे टीवी पर जब वो वीडियो टेप चलाया तो उस वीडियो में एक नॉर्मल सा दिखने वाला क्लाउन एक छोटी सी लड़की से बात कर रहा था। हेलो, सरप्राइज सरप्राइज, कैसा लगा मेरा एक्ट? उस क्लाउन ने यह कहकर उस छोटी सी बच्ची को गोद में उठा लिया और उसके साथ हंसते हुए खेलने लगा। फिर जब उसने अपना मास्क उतारा तो उस मास्क के नीचे जेराल्ड को जेम्स का चेहरा दिखा, वही सीरियल किलर जिसने 10 साल पहले सुसाइड की थी। आप जेम्स को तो जानते ही होंगे। नहीं तो क्यों? ठीक आज से 10 साल पहले जेम्स नाम का एक सीरियल किलर पकड़ा गया था। जो मर्डर अभी हो रहे हैं वो भी बिल्कुल उसी तरह से लोगों के मर्डर्स करता था, पर उसने 10 साल पहले ही सुसाइड कर लिया था। पर ऑफिसर, आप ये सब मुझे क्यों बता रहे? मेरा इन सब से क्या लेना देना? मुझे लगता है कि अब 10 साल के बाद मर्डर वो नहीं कर रहा है, बल्कि आपकी बेटी कर रही है। What nonsense! ये क्या बोल रहे हैं आप? I'm sorry, आपकी बेटी नहीं, जेम्स की बेटी। जेम्स की बेटी? ये कैसे पॉसिबल था? क्या है ना, स्टीव की बेटी नहीं थी? क्या है ना, वही छोटी लड़की थी जिसके साथ वीडियो में जेम्स खेल रहा था? क्या रिश्ता है मेगन का जेम्स से? जानने के लिए सब्सक्राइब टू खूनी मंडे एंड चेक आउट द क्लाउन सीजन 1 का 5वां और फाइनल एपिसोड इस मंडे 7 नवंबर को। द क्लाउन के 5th और फाइनल एपिसोड की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। और गाइज, अगर ये एपिसोड पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करो, सब लोगों से शेयर करो और कमेंट्स में हमें बताओ कि आपको इस एपिसोड में सबसे अच्छी चीज क्या लगी।